हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी जूनियर टीचर वैकेंसी से संबंधित जो भी प्रमुख डाउट्स हैं या जो भी आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं कि सर गुणांक कैसे बनेगा, कितना कितने नंबर आपके हों तो आप लोग का सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि जो सीटों की संख्या है, कुल जो रिक्तियाँ हैं वो 1504 हैं आपकी सहायक अध्यापक के लिए, जबकि पहले लोग काफ़ी उम्मीद कर रहे थे कि 4 से 5 हज़ार जगह निकाली जाएंगी, तो काफ़ी कम ये संख्या है। तो काफ़ी लोग परेशान हैं कि सर कितना कट ऑफ जाएगा, कट ऑफ तो पहले ही निर्धारित कर दिया गया, उसके बाद मेरिट कितनी जाएगी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि कट ऑफ कैसे बनता है, गुणांक कैसे निकाले, कितना गुणांक सुरक्षित रहेगा, एकेडमिक कम है तो कितने नंबर लाने होंगे, गुणांक कैसे बनता है ये, और फिर लास्ट में आपका कितना गुणांक हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, जो आपकी सहायक अध्यापक पदों के लिए जो वैकेंसी है वो है आपकी 1504। इसके अलावा 300 से 350, 400 करीब आपकी प्रधानाचार्य के लिए है। तो मैं सिर्फ सहायक अध्यापक के पदों के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1504 वैकेंसी आपकी सहायक अध्यापकों की है। पूर्णांक जो होगा आपका 150 नंबर का होगा, मतलब 50 नंबर का आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, ठीक है। मतलब खंड उसमें जो पेपर आपका होगा वो पूरा टोटल 150 नंबरों का होगा, ठीक है। 150 नंबर का होगा, उसमें पहले खंड में 50 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के होंगे और दूसरे खंड में आपके 100 क्वेश्चन होंगे जो भी आपने वैकल्पिक विषय लिया होगा, ठीक है। भाषा से होगा तो हिंदी, हिंदी संस्कृत तो इंग्लिश में से कोई होगा, गणित विज्ञान से एक होगा या फिर सोशल साइंस से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 150 क्वेश्चन होंगे। फिर ठीक है, यहाँ पे है कट ऑफ। कट ऑफ जो है वो शासन ने पहले ही निर्धारित कर दी है कि कट ऑफ आपको कम से कम इतने नंबर तो लाने ही होंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो आपको 65%, मतलब 150 का 65% कितना निकलेगा, 97.5, ठीक है, 97.5। तो आपको 98 नंबर कम से कम लाने होंगे जनरल कैटेगरी में। और ओबीसी एससी एसटी के लिए आपको 90 नंबर, मतलब आपको 60% लाने होंगे, तब आपकी मेरिट बनाई जाएगी। ये आपके सिलेक्शन का आधार नहीं है, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन इतने अगर नंबर नहीं है तो आपके मेरिट लिस्ट में आपका नाम ही नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, फिर देखिए, अब ये हमारे प्रश्न है कि गुणांक कैसे निकाले, कितना गुणांक सुरक्षित रहेगा, एकेडमिक कम है तो कितने नंबर लाने होंगे। तो गुणांक कैसे बनता है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए 10%, जो 10% नंबर नहीं, ये चीज बहुत लोग गलत करते हैं कि अगर जैसे उनके 600 में 498 नंबर है, 498 नंबर है, तो इसका 10% निकाल के 49 दशमलव कर देते हैं, 49 दशमलव, ये गलत है। 498 नंबर का मतलब हुआ 83%, ठीक है, क्योंकि 600 में 498 नंबर है, 83% का 10%। जैसे मान लीजिए आपके 10th में आपके 80% है, तो आपका इसमें से कितने जोड़े जाएंगे, 8 नंबर 10% में, ठीक है। इसी तरीके से 12th के भी आप 80% मान लीजिए तो 8 नंबर इसमें भी हो गए, ग्रेजुएशन में भी 80 तो 8 इसमें हो गए, ठीक है, 80 का 10%, ठीक है, तो 8 8 ये हो गए। इसके बाद डीएलएड बीएड में, ठीक है, डीएलएड में तो काफी अच्छे नंबर आ सकते हैं, 90% मुझे तो इजिली लगते हैं, जितने भी मैं लोगों को जानता हूँ ज्यादातर लोगों के 90% है, तो 90% अगर इसमें मान लेते हैं तो 9 नंबर इसमें आपके बन रहे हैं, ठीक। और सुपर टेट में आपके 60%, सुपर टेट में काफी लोग गड़बड़ करते हैं, क्योंकि सुपर टेट में अगर मान लो आपके 105 नंबर हैं 150 में, ठीक है, तो लोग 105 नंबर का 60% निकाल के रख देते हैं, जबकि वो गलत है। पहले 105 नंबर है ये आपके, ठीक, इसका परसेंटेज निकालिए 150 में, तो 150 में 105 का परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा और 100 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके कट जाएंगे, और जब ये सब सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा 70%, ठीक है, 70% मार्क्स। आप 105 अगर नंबर है आपके तो आपके 70% बन रहे हैं। फिर 70% का 60% आपको निकालना है, तो 70% अगर आपके हैं और उसका 60% आपका जुड़ेगा बटे 100, दो जीरो कट जाएंगे, 7 6 42 नंबर, ठीक है, तो 42 नंबर ये आपके उसमें जुड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जैसे हमने यहाँ पे माना था कि 10th में आपके 8 नंबर हैं, 8 मतलब 80% है, 8 नंबर इसके, 12th के 8, ग्रेजुएशन के 8 और बीटीसी के आपके 90% जोड़ लिए, लेकिन बीएड में थोड़े से कम आते हैं, तो 8 या 24 और 33 नंबर, ये 33 आपका यहाँ पर एकेडमिक का गुणांक बन गया, 33 यहाँ तक, ठीक है, डीएलएड तक, और फिर 33 अभी सुपर टेट के कितने बताए थे हमने, 33, ठीक है, 33 इसके और उसके बने थे अभी कितने, 42 42, 70% था, 70% का 60% नहीं होता, 42 नंबर, ठीक है, तो 33 आपके एकेडमिक के हो गए और 42 नंबर आपके सुपर टेट के हो गए, तो ये आपका गुणांक कितना बनेगा जाकर, 75। और ये गुणांक अगर प्राइमरी में आप हैं, प्राइमरी अगर लेवल की बात करें तो प्राइमरी में जिसके इतने बन जाएंगे 75 गुणांक, वो तो जहां चाहेगा वहां उसको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छी रैंक इसमें बन जाएगी उसकी, अगर 75 उसका प्राइमरी बन गया। लेकिन जूनियर में बात क्या है
कि जूनियर में जो वैकेंसी है वो बहुत कम है, ठीक है। जूनियर में वैकेंसी है 1504, और अगर देखा जाए तो 2012 11 11 12 में इससे पहले जूनियर में वैकेंसी आई थी, और उसके बाद से लगातार जूनियर का टेट कराया जा रहा है, यूपी टेट कराया जा रहा है। तो लगभग 4.5 लाख सिर्फ यूपी में पास छात्र बैठे हैं, ठीक है, 4.5 लाख पास बैठे हैं। अगर सीटेट भी जोड़ लेते हैं, सीटेट को भी जोड़ लेते हैं, तो लगभग संख्या आपकी, अगर मान लें सिर्फ 6 लाख भी मान लीजिए, अगर 6 लाख संख्या है आपकी फॉर्म पढ़ने की, अगर फॉर्म 6 लाख पड़े तो एक सीट पर 400 लोगों का कंपटीशन होगा, मतलब एक सीट के लिए 400 लोग पेपर देंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से जो आपकी कट ऑफ है वो आपके लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा, आपको जानते हो, कम से कम अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको कम से कम 110 नंबर, कम से कम, इससे ऊपर ही लाने होंगे, 110 से प्लस जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप जनरल में हैं तो 110 से कम आपके हैं तो चांसेस थोड़े से कम हैं, अगर आपके 110 हैं तो आप अपने चांस मान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद किसी भी, जैसे चाहे साइंस और मैथ से हो, ठीक है, मैथ साइंस से हो या फिर भाषा का हो या सोशल साइंस की भी, सब में वही लोग बैठेंगे जो उनका सब्जेक्ट होगा, तो काफी टफ यहाँ कंपटीशन होने वाला है। तो और जो ओबीसी है, ओबीसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि 105 से कम में उनका उनका शायद ना हो पाए, क्योंकि काफी लोग इसमें भाग लेंगे, मतलब एक सीट पे 400 लोग होंगे तो इससे कम में काम नहीं बनने वाला। और SC ST इन लोगों के लिए भी लगभग, अगर ये 95 से कम नंबर लाए तो मुश्किल होगा, ठीक है। तो मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 110 प्लस, और ओबीसी के लिए 105 प्लस, और 95 से 100 के बीच में अगर इनके बन रहे हैं SC ST के तो इनके चांस हैं, वरना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी तैयारी कीजिए कि आपके कम से कम नंबर जो है वो आपके जनरल में 110 से प्लस जाए, और ओबीसी में 105 से प्लस, और SC ST के लिए लगभग 100 करीब तो बने ही कम से कम, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।